हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि कल मैंने आपको बता दिया था पूरा बेसिक आईक्यू ऑप्शन का, तो आज आपको मैं ट्रेड करके बताने वाला हूँ कि कैसे ट्रेड करते हैं, किस टाइम पे ट्रेड करना है, कब खरीदना है, कब बेचना है वगैरह वगैरह। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आप लेआउट और प्राइस भी यहाँ पर देख सकते हैं आप, चल रही है 13.96, ये लाइव चल रही है अभी मार्केट। अपन सबसे पहले इन्फो देख लेते हैं, बायर ज़्यादा है कि सेलर ज़्यादा है इस प्राइस पर। अभी भी बायर 52% है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, बट मुझे लग रहा है इट्स इन टॉप। तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये $262 मेरे अकाउंट में है, तो यहाँ पर अपन इन्वेस्ट कर लेते हैं $20। $20 फिक्स हो चुका है और यहाँ पे मैं करना चाहूँगा सेल। और यहाँ पे आप लिमिट सेट कर लीजिए कितना चाहिए आपको प्रॉफिट। जैसे कि मैंने टेक प्रॉफिट कर लिया, मान लीजिए मैंने $20 इन्वेस्ट किया है, तो मेरे को चाहिए उसमें प्रॉफिट 30%। तो यहाँ से आप अप डाउन करके, ये देखिए मैं कर रहा हूँ 30% प्रॉफिट बोले तो $6 मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। और उस प्राइस में अगर आएगा तो अपने आप सेल हो जाएगा। ये $6 देख सकते हैं आप, ये मैंने सेव कर दिया और ये कन्फर्म ऑर्डर। तो ये देखिए ऑर्डर लग गया, अगर इस प्राइस में आएगा तो अपने आप एक्सिक्यूट हो जाएगा और मेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ देख रहे हैं आप, $20 इन्वेस्ट किया था, ये -$3.81 अभी लॉस हो रहा है, -$3.73 हो गया। और जब भी ये $36 का प्रॉफिट होने लग जाएगा तो ये अपने आप एक्सक्यूट हो जाएगा। ये हो गया अपना ऑर्डर। और $10 मैं और थोड़ा ऊपर जाएगा तो इन्वेस्ट करूँगा। $10 मैंने सेव कर लिया और इसको भी सेल ही करूँगा एक्चुअली। पंचानवे 9600 पे पार जाएगा तब मैं सेल करूँगा इसको, अभी नहीं। 1396 जाएगा तभी करूँगा, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है मेरा मन करने का। यहाँ पे अपना लॉस यहाँ दिखा रहा है, ये देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है $20 मल्टीप्लाई बाय 50। यहाँ प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है $3, $4 का नुकसान हो रहा है अभी, $3.65 का नुकसान हो रहा है। जब भी ये $6 को प्रॉफिट में बदल जाएगा तो अपने आप एक्सिक्यूट हो जाएगा ऑर्डर, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और आप चाहें तो नोटिफिकेशन भी लगा सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप, ये नोटिफिकेशन लग गया आपको जितने प्राइस में लगाना हो। जैसे कि मैंने लगा दिया 9200 में, ये 9200 में मैंने लगा दिया अलर्ट, ये कंफर्म हो गई यहाँ से अलर्ट। अब जब भी ये लिख के आ गया, जब भी होगा तो अलर्ट आ जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जैसा कि कल मैं आपको बताना चाह रहा था दोस्तों की दो टाइप के एनालिसिस होते हैं, ये जैसे एक टेक्निकल एनालिसिस और एक फंडामेंटल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में एक्चुअली दोस्तों अपन चार्ट देख के पता करते हैं, ये है कैंडलस्टिक चार्ट, इसको देख के अपन टेक्निकली देखते हैं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, कब बाय करना है, कब सेल करना है एंड ऑल दैट। तो अपन टेक्निकल एनालिसिस में टेक्निकल चार्ट देखते हैं कि इससे क्या होने वाला है, शेयर बढ़ेगा कि घटेगा। तो ये हो गई अपनी टेक्निकल एनालिसिस। इसके बाद आती है दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस में एक्चुअली दोस्तों अपन इकोनॉमिकली देखते हैं, जैसे कि इस समय कोरोना वायरस की वजह से चाइना का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, तो एप्पल की जो बैटरी है वो चाइना से आती थी, तो एप्पल का मार्केट इस समय डाउन है, उसका स्टॉक प्राइस भी बहुत डाउन है। तो ये हो गया अपना इकोनॉमिकली एनालिसिस, जिसको बोलते हैं अपन फंडामेंटल। और ये फंडामेंटल एनालिसिस एक और टाइप से होती है, जैसे कि अपन बायर और सेलर देख लेते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं बायर 76% है, तो ये भी एक तरफ से फंडामेंटल एनालिसिस है। तो आप एनालिसिस बहुत ज़रूरी है शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए, और पेशेंस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू वेट फॉर द लास्ट टाइम व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल एंड ऑल दैट। सो इफ़ यू रियली वांट टू अर्न मनी, इफ़ यू रियली वांट टेक अ प्रॉफिट इन शेयर मार्केट, I just want to tell you that trading is just a game of time. You know, wait for the right time so you're going to make a good profit. And one more thing for the beginners guys, don't be worry about losing your money. If you lose your money, you will learn how to trade and that exactly important. और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सो आई गोना मेक मोर वीडियोज फॉर यू गाइज़।